सिलेंडर जो है ये सिलेंडर बैकअप के लिए है, जैसे अपने डायर सप्लाई हो रही है बाकी सजा से जो शटडाउन हो जाए या जरूरत पड़े तो बंद हो जाए तो इसको अपने लिए ताकि लाइट चल अपनी निर्धारित समय पर चल इसके यहाँ 12 या 13 मिनट पर पहुँचने की संभावना जिस तरह से कोविड के केसेस आ रहे हैं, हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि बीकानेर में जो केसेस हैं उसमें ऐसा कोई नहीं है जो कोई गंभीर केस आया हो जिसको भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन फिर भी भविष्य को देखते हुए अगर फ्यूचर में केस बढ़ते हैं या भर्ती की ज़रूरत पड़ती है या पहले की तरह अगर कुछ हमें कोई भी आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने आज मॉक ड्रिल किया है पूरे ज़िले के अंदर, जो हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज से लेके जो PSC CSC और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब जगह हमने जाके आज मॉक ड्रिल किए, तैयारियों को देखा है कि वहाँ हमारे जो इम्यून रिसोर्स है यानी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह कितने हैं, दवाइयों की उपलब्धता कितनी है, बेड हमारे जो हैं वो तैयार है या नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट्स जहाँ लगी हुई है तो ऑक्सीजन प्लांट वो चालू हालत में है या नहीं है, और ऑक्सीजन जो बेड्स हैं वहाँ ऑक्सीजन चल रही है या नहीं चल रही, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे किस हालत में, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं बीकानेर वासियों को, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं हमारे चिकित्सा विभाग। कोविड के जो केसेस हैं वो अभी इन दिनों बढ़े हैं और उसके लिए हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं और हमने पहले से ही आदेश निकाल दिया था, नो मास्क नो एंट्री, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए हमने अनिवार्य कर दिया था और हमने सख्ती से इसका पालन कर रहे हैं, और अभी तक मार्च और अप्रैल के महीने में 127 पेशेंट हमारे पास कोविड के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 3 पेशेंट हमारे पास भर्ती हैं, और जो अभी हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आ रही है ये 5-10% के बीच में आ रही है, लगभग 150 जांचें हम डेली कर रहे हैं, हमने 30 बेड का एक वार्ड अलग से कोविड के नाम से डेजिग्नेट कर रखा है और ICU भी बना रखा है, हम किसी प्रकार की भी इमरजेंसी अगर आती है और केसेस बढ़ते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं।